पेमेंट करने के 2-3 घंटे बाद में उसने क्या करा, मेरी UPI ID के ऊपर साइबर क्राइम में रिपोर्ट लिखा दी। रिपोर्ट लिखा थी, जो मेरे पैसा है ना वो होल्ड हो गए। मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, जैसे गेम की ID वगैरह होती है ना, ऐसे एक स्टोर है मेरा ऑनलाइन, तो उस स्टोर पे मैं काम करता हूँ। तो एक ID थी तो मैंने एक जने को बेची थी, उसने लॉगिंग वगैरह सब ले ली, पूरा अकाउंट सिक्योर कर लिया और पेमेंट भी कर दी मेरे को। पेमेंट करने के 2-3 घंटे बाद में उसने क्या करा, मेरी UPI ID के ऊपर साइबर क्राइम में रिपोर्ट लिखा दी। रिपोर्ट लिखा थी, जो मेरे पैसा है ना वो होल्ड हो गए। तो फिर मैंने कस्टमर केयर में फ़ोन करा मेरे बैंक के कि मेरे पैसे गए कहाँ, जब कट गए एकदम ही। मैं डर गया था कि क्या बात हो गई। तो कस्टमर केयर में कॉल पे बात करी तो उन्होंने कहा कि आपके अकाउंट के अंदर साइबर क्राइम की रिपोर्ट आ रही थी, इसलिए जो आपके 6,500 रुपये आपके दोस्त ने डाले थे ना वो होल्ड हो गए। तो उसके बाद में उन्होंने कंप्लेंट नंबर दिए मेरे को सीरीज़ कि आप इधर जाओ और जो आपके नज़दीकी साइबर क्राइम सेल है ना उन्होंने कॉन्टेक्ट करो, वो हमें मेल करेंगे तो हम रिलीज़ कर देंगे। तो अभी हम साइबर सेल आए थे तो इधर इन्होंने कॉन्टेक्ट करा तो ये कह रहे कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, जहाँ से रिपोर्ट आई ना, जिस स्टेट से रिपोर्ट आई है, जिले से आई है, वहाँ पर आप कॉन्टेक्ट करो। तो मेरे कहने का मतलब ये, जब सारी चीज़ हम कर लेंगे तो साइबर सेल किस काम का अजमेर में, मेन बात ये है। अगर हम आए, अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, गंवार कोई हो गांव साइड का, वो तो बेचारा डर जाएगा कि मैं अदर स्टेट में कैसे जाऊँ, क्या करूँ, अब 6,500 रुपये के लिए काका धक्के खाऊँगा मैं। धोखाधड़ी हो गई और उसमें हमारी हेल्प करनी चाहिए साइबर सेल को, तो हो नहीं पा रही है मेरे पास में, बल्कि कंप्लेंट नंबर भी है जो मेरे बैंक वालों ने दिए और उन्होंने कहा कि आप नज़दीकी साइबर सेल में जाओ। मैंने ID बेची थी उसको और वो पंजाब का है, मैंने उससे कांटेक्ट करा तो वो कह रहा मैंने नहीं कर रही ये चीज़। तो मैं इसलिए साइबर सेल आया था इसकी डिटेल निकलवाने के लिए, किसने करी कहाँ से करी आप तो बता ही सकते, पर वो मना कर रहे कि हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे टेलीग्राम पे वो है स्टोर, एक मतलब एक चैनल है उसके थ्रू डील होती है हमारी, मतलब किसी भी बंदे को पैसे की जरूरत होती है, फिर गेम खेलते ना हम आपस में ऑनलाइन, तो कोई बंदा कहता मेरे को कि भैया ये ID बिकवा दो मेरी, तो उसके अंदर मैं ID वगैरह बेचता हूँ उसकी और उसमें प्रॉफिट वगैरह जो भी होता है वो हमारा रहता है। मैं ये चाह रहा हूँ कि इसकी डिटेल निकाली जाए, अगर कोई मेरा तो ये कहने का मतलब है, अगर कोई सी भी स्टेट से रिपोर्ट आई तो जो नज़दीकी साइबर सेल है उसका काम होता है हर चीज़ का डिटेल निकलवाना, हर चीज़ की हमारी सहायता करना। अभी सोचो अगर पंजाब से भी साइबर सेल से रिपोर्ट आई तो हम पंजाब थोड़ी ना जाएंगे उधर कॉन्टेक्ट करने के लिए, हमारे नज़दीकी जो पुलिस है या फिर साइबर सेल के अधिकारी वो कॉन्टेक्ट करेगा ना उनसे, या हम कॉन्टेक्ट करेंगे। अगर हम ही कॉन्टेक्ट कर ले तो फिर हमारे को अधिकारी बना दो।